आज का ये DIY बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी समझ आ सके। ज़ारास टिप्स एंड आइडियाज़ में आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आगाज़ में आपने देख ही लिया होगा कि हम ये शहद की बॉटल जो होती है, ये ग्लास जो जार आता है शहद का, इसको इस्तेमाल करके एक डिफरेंट सा DIY बनाने लगे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही काम का रहेगा। शहद जब भी लाते हैं तो इस तरह के ग्लास जार में भी पैकिंग में मिलता है, तो इसको वेस्ट ना करें, इसको आज एक डिफरेंट सा यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके बाद इसको नाइफ गरम करके इधर से काट लेंगे। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये DIY आपके लिए कितना ही यूज़फुल और कितना हेल्पफुल रहेगा। इस सर्कल को आपने इस तरह ही काट लेना है, इसी साइज़ में ही, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। हमने इस सर्कल को काट लिया है। ये प्लास्टिक काफ़ी हार्ड होती है, इसके लिए हमें नाइफ गरम ही करनी पड़ेगी। और ये जो हम डिश वॉश लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो लिड होता है, इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसको हम इसके अंदर फिक्स कर रहे हैं। इस साइज़ का हमने जो सर्कल कट किया था वो इसी साइज़ का था, और अब इसे अच्छी तरह सिक्योर करने के लिए हम ग्लू गन इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लू गन की हेल्प से हम इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। ये बहुत ही अमेजिंग DIY है। आपने YouTube पे पहले कभी इस तरह का DIY नहीं देखा होगा। अब ये मैं मास्किंग टेप इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो सर्जिकल टेप होती है, इस तरह मैंने एक जगह पे इसे लगा लिया। आप इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे छोटे साइज़ में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही रखना था। और मैं इसको ब्लैक पेंट से पेंट कर दूंगी। आप कोई सा भी पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक्रेलिक पेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ये एक स्पंज की मदद से मैं इसे इस ग्लास के ऊपर फैला दूंगी। इस तरह के DIYs हमें एक खुशी भी देते हैं कि हमने घर में एक अच्छी चीज़ तैयार कर ली है जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई है। और हमारे बहुत से पैसों की भी बचत हो जाती है। आप इसको अच्छे तरीके से पेंट कर लें, आप जिस कलर में भी चाहें पेंट कर सकते हैं।
और इस पेंट का फ़ायदा ये होगा कि इसकी दूसरी साइड पे शायद आपने नोट किया हो या ना किया हो, एक स्टिकर लगा हुआ था जो कि निकल नहीं सकता था, उतर नहीं सकता था, मरहबा का स्टिकर था, वो भी इससे बाहर वाली साइड पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और कोई जज ही नहीं कर सकेगा कि ये आपने शहद का जो ग्लास था, शहद का जो ग्लास जार था, आपने उससे ये DIY तैयार किया है। अब मैंने इसको पेंट कर लिया और इसके पेंट को मैं अच्छे तरीके से सिक्योर करने के लिए कि वॉश करने के बाद भी ये पेंट ना निकले, तो वार्निश का इस्तेमाल करूँगी। और वार्निश का भी एक सस्ता सा तरीका ये है कि अगर आपके पास वार्निश है तो ठीक है, अगर आपके पास वार्निश नहीं है तो आप ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट इजीली हर जगह पे अवेलेबल होता है और इसको अप्लाई करने से बिल्कुल वार्निश वाली लुक आती है और हमारा पेंट भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अच्छे तरीके से हर जगह पे वार्निश करने के बाद इसका फ़ायदा होगा कि आप जब भी इसे वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल भी पेंट ख़राब नहीं होगा। आप भी इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और एक डिफरेंट सा DIY आपके लिए घर में ही तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे मार्केट में परचेज़ करने के लिए जाएं या फिर ऑनलाइन आप इसको परचेज़ करें, तो इस तरह के DIYs, इस तरह के जार्स या इस तरह की बॉटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। और ये देखें कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है, हमने ये नेल पेंट जो कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट था इसको अप्लाई किया तो कितनी अच्छी शाइन आ गई है। और अब हमारा पेंट जो है वो जब भी हम इसे वॉश करेंगे ग्लास को तब ख़राब भी नहीं होगा। और ये देखें मैं आपको नेल से खुरच के भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इस पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे और आपका पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए इस तरह के DIYs मुख्तलिफ डिज़ाइंस में मुख्तलिफ कलर्स में कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिड को भी पेंट कर सकते हैं, मैंने इसके लिड को इसी तरह छोड़ दिया है, मैं इसे कलर नहीं करूंगी। ये एयर टाइट जार होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये हमने एक ऑयल कंटेनर के तौर पे बनाया है, इसमें हम ऑयल वगैरह ऐड कर सकते हैं। ऑयल बॉटल अगर हम मार्केट से परचेज़ करें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, तो ये चूंकि एक ग्लास जार है तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑयल कंटेनर बन सकता है। आपको ये DIY कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से ये जो स्पेस हमने छोड़ी है उसका मकसद ये है कि ये हमारे लिए विजिबल रहेगा कि हमारे जार में कितना ऑयल मौजूद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं जिसमें मुख्तलिफ DIYs, जिसमें मुख्तलिफ आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़, होम एंड किचन टिप्स शामिल होती हैं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।